आपकी बाइक लीजिए, फिर आपकी बाइक लीजिए। आज हम लोग यहाँ पर, मेरा नाम आनंद है, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस समय हिंदी आलोचना में सबसे सम्मानित और जाने हुए नाम भद्रेश जी का सम्मान करने के लिए, और उनके योगदान को, उनके हिंदी साहित्य में उनकी देन को सम्मानित करें। नायक सम्मान से जो आज भद्रेश जी को नवाजा जा रहा है, कैसा लगता है आप सबको भद्रेश जी? हम लोग तो ये सोचते थे कि ये सम्मान बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था उनको, लेकिन देर से मिला, यही बात बहुत बड़ी बात है। जनहित में कोई संदेश? जनहित में ये है कि भद्रेश जी की पुस्तकों और इनके योगदान को और ज्यादा प्रसारित और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर प्रदीप सक्सेना। सर मधेश जी को लहक सम्मान से आज जो नवाजा जा रहा है, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? ये बहुत जरूरी काम है, क्योंकि हिंदी साहित्य में जी अच्छे कवि मधेश जी ने इस काम को और विचारधारा और मूल्य इन दोनों की स्थापना की। ज्यादातर लोग सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि ये आलोचक है, समीक्षा की, इन्होंने एक बड़ा सांस्कृतिक कर्म के रूप में आलोचना को स्थापित किया। ठीक है सर, जनहित में आप लोगों का क्या संदेश है? कि लोगों को अपनी आलोचना का आधार भी जनता को ही बनाना चाहिए, यानी वो साहित्य जो लोक कल्याण का है उसी की पक्षधरता। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।